नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से आपको लेकर चलती हूँ एक खूबसूरत से आइलैंड पर, यानी अंडमान निकोबार। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान जाना काफी महंगा पड़ता है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने ट्रिप को कंफर्टेबल और सस्ता बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए शुरू से आखिर तक आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल काव्य सुमन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे कम खर्च में अच्छा ट्रिप बनाएं, किन दिनों में जाएं, कितने दिन का ट्रिप बनाएं और कहाँ कहाँ जाएं, जाने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करें और घूमते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें। ये सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट बनाकर मैं आपको दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, देख लीजिएगा। योर शेड्यूल कैन बी कम्फर्टेबल इन दिस वे। जल्दी से जल्दी मैं अपने ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही हूँ और सारी जरूरी चीजें रख रही हूँ, क्योंकि मैं आइलैंड पर जा रही हूँ और कुछ खास चीजें ले जाना वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक और लिस्ट दे रही हूँ, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये मेरी गुगली है जो मेरे साथ जाने की बहुत ज्यादा जिद कर रही है, लेकिन मैं इसको अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लीजिए, अब मैं आ गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। अभी फ्लाइट में समय है, तब तक मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट की खूबसूरती दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत लाजवाब है। आहा, रात का समय और इतना सुंदर एयरपोर्ट, यहाँ पर तो घूम ही लेना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से मेरी फ्लाइट है। चलिए चलते हैं टर्मिनल 2 पर। एयरपोर्ट बस से प्लेन तक का छोटा सफर भी काफी रोमांचक है। एरोप्लेन के पास मैं अब पहुंच गई हूं और इस सफर की छोटी से छोटी बातें सभी आपसे शेयर करना चाहती हूं। अब मैं प्लेन में बैठ गई हूं। अभी लगभग रात के 3 बजे हैं। प्लेन उड़ान भर रहा है और रात के तारों भरे आसमान में अब मैं पहुंच रही हूं। लगभग 8 या 8:30 बजे सुबह मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाऊंगी। अभी रोशनी हो गई है, यानी लगभग 6:30 बजे हैं। अब बादलों के सफर को आपको ना दिखाऊं तो ये भी ठीक ना होगा। लीजिए, आनंद लीजिए बादलों के बीच की उड़ान का, और लैंडिंग होते हुए भी हरी भरी वसुंधरा की खूबसूरती भी देखिए। वाह, क्या बात है, गजब का नजारा है। अब पोर्ट ब्लेयर में लैंडिंग हो गई है। देखिए, रात के अंधेरे में हम चले थे और दिन की तेज रोशनी अब हो गई है। लीजिए, अब हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर। सुबह के 8:30 बजे हैं। अब आपको दिखाती हूँ वीर सावरकर एयरपोर्ट। ये है पोर्ट ब्लेयर का एक सुंदर छोटा सा एयरपोर्ट, समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक है ये। आपको बताऊं, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट यहाँ के एयरफोर्स स्टेशन में ही है, इसलिए हमें डिफेंस के कुछ नियमों का यहाँ पर ध्यान रख लेना चाहिए। ये देखिए, लगता है ना कि समुद्र और आसमान आपस में बातें कर रहे हो। अब हम चलते हैं सेलुलर जेल। ये देखिए, इस आइलैंड का ये रास्ता जो सेलुलर जेल तक जाता है, और बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत ये रास्ता है। देखिए, अब हम आ गए हैं सेलुलर जेल, और सेलुलर जेल के बाहर का दृश्य आप देखिए। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है सेलुलर जेल का दर्दनाक इतिहास। ये देखिए, कैसे कैसे कैदियों को सजा दी जाती थी, कितना दर्दनाक था। ये कोठरियां देख रहे हैं जहां कैदियों को रखा जाता था। याद रखिए, इन वीरों का बलिदान ही आज हमें स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस दिलवा रहा है। चलिए, अब सेलुलर जेल की छत पर चलते हैं। वो सामने देख रहे हैं,
रूस आइलैंड, जहां अंग्रेज रहते थे और जेल की हर गतिविधि पर वो नजर रखते थे। ये देखिए, जेल की छत से नीचे की ओर देखिए, ये पंत हॉस्पिटल है। ये सेलुलर जेल का ही एक पार्ट हुआ करता था। ये फांसी घर है, जिसे देखकर आंखों में आंसू बरबस ही आ जाते हैं। यहाँ एक बार में 3 कैदियों को फांसी दी जाती थी और फांसी देते हुए ऊपर से कैदियों को ये फांसी साफ साफ दिखाई देती थी, जिससे उनके पक्के इरादे और उनके हौसले टूट जाते थे। ये देखिए किस तरीके से कैदियों को पनिशमेंट मिलती थी। ये मॉडल बनाए हुए हैं। यहाँ कैदियों को जंजीरों से बांध दिया जाता था, उनसे तेल निकलवाया जाता था और तरह तरह की उन्हें यातनाएं दी जाती थी। ये इन सब मॉडल में आप देख सकते हैं। अमर ज्योति, जो सेल्यूलर जेल में हमेशा प्रज्वलित रहती है, ये देखिए, ये अमर ज्योति है। चलिए अब मैं आपको जेल का म्यूजियम दिखाती हूँ। 1906 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित ये 3 मंजिला जेल स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थ स्थल है और यहाँ उन पर अमानवीय अत्याचारों के मूक साक्ष्य भी मिलते हैं। इस म्यूजियम में जेल का सारा मॉडल रखा हुआ है। इसे भी ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये डिजाइन की गई है। 1906 में ये विशालकाय कटघरा तैयार हुआ। इसे बनाने में करीब 3 करोड़ ईंटें लगी और इंसानी खून पसीने की तो गिनती भी नहीं थी। ये सेल्यूलर जेल वो दर्द भरी कहानियां बयां करती रहती है। सेल्यूलर जेल आए और लाइट एंड साउंड शो ना देखें तो मान लीजिए कि आपका ट्रिप अधूरा रह गया। आइए आपको दिखाती हूँ, इस शो में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास दिखाया जाता है। और आपको बताऊं, यहाँ रोज 2 शो चलते हैं। ये दोनों शो हिंदी में ही होते हैं, परंतु हर सोमवार और बुधवार शुक्रवार को हर दूसरा शो इंग्लिश में भी होता है। यहाँ अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। ये देखिए, शो समाप्त हो गया और अंधेरा हो गया और आज बारिश भी खूब हो रही है। बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों का दर्द यहाँ पर इस जेल में सुनता है। यहाँ ना जाने कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और ना जाने कितने यहाँ पर मरे, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये देखिए सेल्यूलर जेल का फ्रंट, जो कि अब प्रकाश से भरा हुआ है। अब हम घूम रहे हैं मेरीना रोड पर, जो पोर्ट ब्लेयर का मुख्य आकर्षण है। एक ओर अंतहीन सागर और दूसरी ओर मेरीना रोड की स्वच्छ हवा, बेइंतहा साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और खूबसूरत लाइटों से सजी हुई मेरीना रोड। ये देखिए, यहाँ घूमने वाले लोग भी बहुत खुश होकर घूमते हैं। रात का समय है और मरीना रोड लाइटों से चमक रही है। मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, जगह जगह आपको दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ देखिए, ये लाइटें किस तरीके से यहाँ पर मोर बने हुए हैं या पेड़ों को सजाया हुआ है। मरीना रोड पर महात्मा गांधी का हाथ पकड़ के खड़े होना, उनके चरणों के पास खड़े होना, अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य सा लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर कितना सुंदर एक स्टैचू बना हुआ है, बहुत बड़ा, ये भी आप देख सकते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर जो लिखा हुआ है, इसके बीच में मैं बैठी हुई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पीछे समंदर है और आगे पोर्ट ब्लेयर का मैं एक बोर्ड लिए बैठी हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ इस सड़क पर बच्चे अपने गेम्स खेलते हैं। आज देखिए कितने खूबसूरत ढंग से वो स्केटिंग कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। यहाँ फ्लैग पॉइंट पर भी बहुत लोग आते हैं। मैंने आपको केवल रात की खूबसूरती दिखाई है मरीना रोड की।
मैं डॉक्टर सुमन अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अंडमान निकोबार के अगले पार्ट में।